हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको पावर बोर्ड की कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद दोस्तों किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कहां पर पावर दी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, कहां पर न्यूट्रल दिया जाता है, कहां पर फेस लगता है, हमारे इंडिकेटर के कनेक्शन कैसे होंगे, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जिससे कि आप अगर बिल्कुल भी नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए और मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, जिससे कि आप घर पर आसानी से कोई भी बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं, कैसा भी बोर्ड हो। मैं आने वाली वीडियो में और भी आपको बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा कि उनके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें। और जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देखकर इलेक्ट्रिशियन का काम सीख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमने स्विच के नीचे वाली पिन पर फेस दे दिया है। सॉकेट की राइट हैंड की साइड में हमने जो है न्यूट्रल दे दिया है। ये हमारे मेन लाइन के वायर लग जाएंगे। फिर स्विच की जो है ऊपर वाली पिन पे दोस्तों एक वायर लगा देंगे, जिसको हम सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। सॉकेट की एक पिन बची है दोस्तों, उस पर हम स्विच वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा फेस आसानी से इसमें पहुंच जाएगा। स्विच ऑन करते ही हमारा सॉकेट में जो है पावर पहुंच जाती है, जिससे कि हमारा सॉकेट में हम प्लग लगाते हैं उसमें पावर मिल जाती है। ये इंडिकेटर है दोस्तों, इंडिकेटर की कनेक्शन जो है हम डायरेक्ट करेंगे न्यूट्रल पर और फेस पर, जिससे कि हमारा बोर्ड में पता चल जाए कि पावर आ रही है। मैंने इसको स्विच की नीचे वाली पिन पे लगा दिया और इंडिकेटर का दूसरा वायर मैं न्यूट्रल पे लगा दूंगा, सॉकेट की राइट साइड वाली जो जिसपे मेरा रेड कलर का वायर लगा हुआ है दोस्तों, उस पर मैं इंडिकेटर का वायर लगा दूंगा। इसमें हम एक वायर जोड़ लेते हैं, क्योंकि इसका वायर कुछ छोटा था कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इसमें एक वायर जोड़ लिया है। और जोड़ने के बाद मैं इसमें कनेक्ट कर दूँगा। जैसा कि दोस्तों आपने मुझे काफ़ी प्यार दिया, मेरी वीडियो को लाइक किया, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाऊं, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आपको दिखाऊं, कुछ एक्सपेरिमेंट की वीडियो बना के दिखाऊं। तो मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, प्लीज़ पूरा वीडियो देखकर आसानी से पावर बोर्ड के कनेक्शन सीख जाइए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक।